एंड रेगुलेशंस, रीति और रिवाज। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इन चीजों को तोड़ते हो तब आपको बेसिकली समझ में आता है कि हाँ आपके घर भी ये रीति रिवाज, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। तो आखिर इस चीज को कहा क्या जाता है जब आप जानबूझकर चीजों को तोड़ते हो और रूल्स को समझते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस। माय नेम इज साक्षी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एथ्नोमेथोडोलॉजी। सो बेसिकली एथ्नोमेथोडोलॉजी क्या होता है आज हम उसको थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पढ़ो चाहे क्लासिकल पढ़ो, तो वैसे तो ये मॉडर्न में आता है। तो बात करते हैं, लोगों ने मुझे कहा था कि जूम करके पढ़ाओ। हाँ, सो ये जूम कर रही हूँ मैं। एथ्नोमेथोडोलॉजी लिया गया है एथनिक प्लस मेथड से। एथनिक मतलब कल्चर होता है। सो बेसिकली इसका अगर आप सीधा साधा मतलब देखोगे तो ये होता है कि जब आप डेलिबरेटली जानबूझकर जो रीति रिवाज होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनको समझने के लिए जब आप तोड़ते हो उन चीजों को, दैट इज नोन एज एथनो मेथडोलॉजी। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको अपने घर में ये पूछा जाएगा तो कि क्या आप लोग कास्टिज्म पे बिलीव करते हैं, तो बेसिकली आपके घर वाले कहेंगे कि ना, हम बिलीव ना करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने लग जाओ कि अचानक से आप बहुत चुप रहने लग जाओ अपने घर में और उसके बाद अचानक से आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, और आपसे जब बार बार आके पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, और लास्ट में जब आप जाके बोलोगे अपने घर वाले को कि मुझे किसी से शादी करनी है और वो किसी और कास्ट से है, क्या कर रहे हो आप? डेलिबरेटली चीजों को तोड़ रहे हो। आपको रियल में ऐसा नहीं करना है, आप जानबूझ कर ऐसा बस बोल रहे हो, तो आपको सही चीजें पता चलेगी कि हाँ भैया कि हमारे घर में कास्टिज्म एक्चुअली फॉलो होता है। सो दिस इज नोन एज एथनो मेथडोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की कि बेसिकली ये है क्या चीज। एथनो, इसका जो एटिमोलॉजी है वो तीन चीज से लिया गया है। पहला है एथनो, दूसरा है मेथड और तीसरा है लॉजी। तो एथनो मींस कोई भी कम्युनिटी, और उसके बाद किस तरीके के मेथड आप यूज करते हो डेली लाइफ में उन लोगों के कल्चर को समझने के लिए, दैट इज मेथड। एंड लॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी, क्योंकि आप आए बाय कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली प्रॉपर स्टडी कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल नॉर्म्स, रीति रिवाज को समझने के लिए। अब ये बेसिकली है क्या, इट ड्रॉ द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रुप्स थ्रू ड्रॉइंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप डायरेक्टली विदाउट इम्पोजिंग ऑन द ओपिनियंस ऑफ द रिसर्चर। सो आप यहाँ पर रिसर्चर के कोई ओपिनियंस नहीं ले रहे हो, आप बेसिकली खुद ये चीजें कर रहे हो, है ना। और वो सोसाइटी, वो कल्चर किस तरीके से एक्ट करता है आपको ऑटोमेटिकली पता है। अगर आप इसका ओरिजिनेशन देखोगे तो हेरोल्ड गारफिंकल जो है, इन्होंने पहली बार इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया। ये एक सोशल पैराडिग्म है जो कि सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये किसी भी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है इन देयर थॉट प्रोसेस एंड एक्शन। ये था मेनली बेसिकली कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है। अगर बात करें कि हिस्ट्री की इसकी, तो पहली बार आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स है 1960 में, वहां पर हेरोल्ड गारफिंकल ने इस टर्म को पहली बार कॉइन किया था। तो मे भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए किसे कौन कॉइन किया था, तो आप नाम लोगे हेरोल्ड गारफिंकल का। उसके बाद बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी की स्कूल खोल ली। इट लाइज इन यूरोप एंड बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ एडमंड, आपके उनका नाम है बेसिकली एडमंड हर्सल एंड अल्फ्रेड स्यूज। ओके, तो बेसिकली उस समय हुआ क्या था कि एथनोमेथोडोलॉजी, एक कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो बार्गेनिंग कर रहे थे ग्रोसरी स्टोर में, वहां पर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि ऑन पेइंग फॉर मोर बीन्स दैन द सेल प्राइस इंडिकेटेड एंड प्रिटेंडिंग टू बी ब्रॉडर इन देयर ओन होम्स। सो बेसिकली अगर आपको कोई समझने के लिए बोले कि क्या हो रहा था, तो यूएस के स्टूडेंट बार्गेनिंग कर रहे थे ग्रोसरी शॉप में, और वहां पर उनको जेली बीन का प्राइस एक्स्ट्रा देने को बोला जा रहा था जो उनका रियल सेल प्राइस है उससे। तो उस वजह से ये चीजें होना चालू हुई, और ये एक ऐसा सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जो कि एमर्ज हुआ 1960 में, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स वाली चीजें हैं, जो कट्टरपंथी है हमारे समाज में जो कि जल्दी से जाती नहीं है, उसे ठीक करने के लिए, उसे समझने के लिए पहले तो चीजों को समझना होगा ना। कि मान लो सती प्रथा चल रही है, तो आपको पहले जानना होगा कि हाँ एक्चुअली जब किसी की डेथ हो रही है तो उनकी जो वाइफ है उनके साथ जाके जलेंगे। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप आवाज ही नहीं उठा पाओगे। सो बेसिकली ये एक ऐसा चीज है जिसमें आप जानबूझ के चीजों को तोड़ते हो, और तोड़ने के बाद आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉर्म्स है वो समझ में आ जाते हैं, और उसके बाद आप उसे ठीक करने में लग जाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर आप लोग को लेसन पसंद आए देन डू राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट्स है, तो #AskSakshi करके आप डाउट्स अपने लिख सकते हैं,
मैं एवरी संडे इस रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी प्रिपरेशंस करनी है, बुक्स नहीं है आपके पास तो गो लॉग इन टू अनअकैडमी और आप वहां पर बहुत सारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो नेट हो, बिल्कुल रिलेटेड कोर्स देख सकते हैं। सो सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।